आज कठुआ के बीती रात बड़ अला गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवा की हत्या कर दी। गुस्से में आकर लोगों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनका सरकारी जमीनों से कब्जा हटाया जाए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता तो लोग कड़ा विरोध करेंगे। कठुआ से प्रभाष कुमार की रिपोर्ट। हमेशा कानून का पालन ही करिए, नहीं करना है। गल गलाना चाहना है कि साढ़े इलाके जियां इं हिसाब ला लो कोई मिनी पाकिस्तान बन रहा है। इं हालात ने कोई एक बच्चा साढ़ा उत्थे ना दीपू है, वह बेचारा सैर कर जा रहा अपने दोस्तें कन्नै। सैर करना गुनाह है कोई? और सैर करते करते ही वह आखते इधर सैर नहीं करनी है। यह कहड़ा मतलब सैर नहीं करनी? कोई उनके प्यो की थोड़ी मतलब रोड है जो नहर उनके प्यो की है। और उन्हें बंद उस बच्चे की और निर्दोष मारिया और इन्ना मारिया कि हद को ज्यादा उसकी डैथ उतो हुई गई। और उसी जो दोस्तें कन्नै उनकी कुछ की बह फैक्स कर दी, कुछ की मतलब उन्हें मुक्के मुक्के मारिया, कुछ की लाठी ने मारिया और सारे बेचारे दौड़िया उन्हें जान बचाई अपनी। छे बच्चे हो और छोटे छोटे बच्चे ने हो और उन्होंने दिखे जाए बेचारे की उनकी हालात दिखे जान। और जिस घर में यह मारा उन्हें काम किया है और यह मुड़ा कहते भैन जो अभी फालतू कुछ ने बोलते नहीं दिखे और इन्ना शरीफ और इन्ना जेंटल मुड़ा है। और सारी प्रशासन अगर इो दरखास्त है कि जेड़े गुजर अनलीगल बैठे ने जो लीगल ने और रोन इतना जो अनलीगल ने जिसने स्टेट लैंड बैठे बैठे बाहर कटे जा। और मैं मैं सन्नी खजूरिया मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इधर इतनी ज़्यादा गंदगी डाल दी है कठुआ एरिया में। आप ऊपर से खड से लेकर और नीचे तक जितना भी एरिया है सारा मुस्लिम समुदाय ने घेर लिया है और जितनी भी लैंड है सारी स्टेट लैंड है, सारी सरकारी जगह में कब्जा किया हुआ है। हिंदू कोई घर बनाता है ना तो हमारा प्रशासन आकर क्या करता है? हमारा प्रशासन आके उसको उसी टाइम उठाता है, जेसीबी लगाता है, तोड़ फोड़ करता है। उनको पता हिंदू बोलेगा नहीं, हिंदू गुंगा है, वो इज्जत करता है सरकार की, गवर्नमेंट की, कानून की इज्जत करता है। लेकिन ये लोग कुछ भी इनकी इज्जत नहीं करते। जब पुलिस वाले जाते हैं तो जब पुलिस पे हमला करते हैं, हीरोइन का नशा धंधा ये करते हैं, स्मैक ये बेचते हैं, चर्च जितने भी काले धंधे ये करते हैं, जहाँ तक कि ये लड़की बाजी गलत धंधे, हर कोई जितना भी गलत धंधा हो रहा है ना इस टाइम कठुआ में 90% ये लोग कर रहे हैं। और पुलिस रात को एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक लड़का जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड आया है, उसका नाम दीपक कुमार बताया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही एकदम पुलिस पार्टी को एक्टिवेट किया गया और जब यहाँ पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची तो पता लगा कि ये कुछ लड़के वहाँ पर शाम को वहाँ पर खड़े थे। तो कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं तो उसमें से दो लड़कों को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया, तीसरा बंदा उसमें से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो उनके बारे में बताया कि उन्होंने इन पर जो है असॉल्ट कर दिया और उसमें एक लड़के की जान चली गई और एक लड़का उसमें इंजर्ड भी है। तो इस वारदात को देखते हुए थाना कठुआ में जो है FIR 200 अंडर सेक्शन 302/341/323/34 IPC रजिस्टर की गई है। अभी जो इसमें जो एक्यूज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो जो है अभी वो भागे हुए हैं, फ्लड में हैं, तो पुलिस पार्टी जो है उनको चेज कर रही है, तो हम उनको जल्दी ही पकड़ लेंगे। कितनी उम्र है सर जो ये? अभी जो बताया जा रहा है कि इसकी जो एज है कोई 29-30 साल के अराउंड कोई इस लड़के की उम्र है और ये गांव बड़ाला का रहने वाला है। सर देखने में आया कि सिविलियन के साथ साथ पुलिस वालों को भी कई बार इस समुदाय ने निशाना बनाया, बहुत बार हमले किए हैं, क्या देखते हैं किस तरह की कार्रवाई? ये चीज़ें जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो उस पर उनका भी संज्ञान लिया जाएगा और इन चीज़ों को जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन। सर सूत्रों से पता लगा है कि वहाँ पे जो एक आई विटनेस था उसने भी पूरी वार्ता जो है वो पुलिस को बताई है, तो क्या लगता है कि उन लोगों की शिनाख्त कब तक उनकी धरपकड़ जो है वो कर ली जाएगी? जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोगों को जो है उनके कहने पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए जो है मैनहंट लॉन्च कर दी है, तो उनको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। सर